नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर कंजर्वेशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार, हमारी पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, तो आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि हमें पानी को कंजर्व करना पड़ रहा है। हमारे पास तो इतना सारा पानी है, पैसिफिक ओशन इतना गहरा है कि अभी तक हम लोग उसका पूरा गहराई नाप नहीं सके हैं, तो फिर आखिर ऐसी क्या आपदा आ गई भाई कि हमें पानी को कंजर्व करना पड़ रहा है। वो क्या है ना कि हमारे पास पानी तो बहुत है, लेकिन यार यूज़ करने लायक साफ पानी हमारे पास, यानी कि जो फ्रेश वाटर है, वो बहुत कम है। हमारे पृथ्वी का लगभग जितना भी पानी है उसमें सिर्फ 2.5% पानी ही फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी हमारा सिर्फ 1% पानी ही एक्सेसिबल है, क्योंकि बाकी जो पानी है वो हम लोग एक्सेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब पानी हमारा बर्फ और ग्लेशियर्स के फॉर्म में पाया जाता है, तो वो सब तो हम लोग यूज़ कर नहीं सकते, तो इसलिए हमारा बच जाता है सिर्फ 1% पानी। और यही 1% जल हमारे लिए जीवन का काम करता है, और इसी 1% पानी में पूरी की पूरी मानव जाति, पूरी की पूरी एनिमल की प्रजाति और पेड़ पौधे, सभी जो भी आप लोग देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास, सिर्फ समंदर के जीवों को छोड़ के, वो सभी इसी 1% पानी पे डिपेंडेंट है। तो यार सीधे सीधे अगर बोले तो हमारे पास पानी तो बहुत है, पर फ्रेश वाटर बहुत ही लिमिटेड है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग पी सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग जिंदा रह सकते हैं, वो पानी बहुत ही लिमिटेड है। और यार यही कारण है कि दुनिया की लगभग 40% जो आबादी है वो वाटर स्कार्सिटी के प्रॉब्लम से जूझ रही है। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हो। तो यार एज एन इंजीनियर हमारे लिए ये फर्ज बनता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके फ्रेश वाटर को कंजर्व कर सके। तो यार एज एन इंजीनियर हम लोग ऐसा कौन सा कांड करें सो दैट आवर फ्रेश वाटर रिमेन्स आवर फ्रेश वाटर। तो यार इसके लिए हम लोग कुछ मेजर्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला मेजर, हमारे पास जो 1% पानी है वो हमारे लिए इनफ है, ये हमें मान लेना है, इससे ज़्यादा तो होने वाला है नहीं, तो इसी को हमें फ्रेश रखने की ज़रूरत है, यानी कि हमें पॉल्यूशन कम करना होगा। रिवर्स वगैरह के पानी में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह या फिर कोई भी ऐसा वेस्ट जो डिस्पोज किया जाता है, उसको हमें कम करना होगा, उसे हमें ख़त्म करना होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देना होगा, जिससे कि हमें उसे अच्छे से डिस्पोज करने में हेल्प हो सके, जिससे कि वो पानी से, इंसानों से, जानवरों से दूर रह सके। तो यार हमारा जो ये 1% पानी है ये धीरे धीरे कम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देखते होंगे कि ठंड में तो हमारे पास पानी अच्छा खासा होता है, बट जैसे जैसे गर्मियाँ आने स्टार्ट होती है हमारे पास पानी की कमी होने स्टार्ट हो जाती है। तो यार हमारा ये पानी जो है घटता बढ़ता रहता है थ्रू द वाटर साइकिल। जब हमारा बरसात होता है तो पानी वापस हमारे पास आ जाता है। तो यार उस बरसात के पानी को अच्छे से स्टोर करके रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिससे कि हम लोग पब्लिक को अच्छी तरह से वाटर सप्लाई दे सके थ्रू आउट द ईयर, और वाटर स्कार्सिटी के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। तो यार इसके लिए हम लोग जो है स्टोरेज रिजर्वॉयर्स को बनाते हैं, डैम्स वगैरह लगाते हैं, पानी को समंदर में जाने से रोकते हैं जितना ज़्यादा हो सके। हम लोग जो है डैम्स वियर्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा नदी नाला जो है स्ट्रीम्स वगैरह का पानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होके एक जगह में रह सके, बह ना जाए। अब यार हम लोग वाटर को स्टोर करने के लिए सभी जगह डैम्स वगैरह तो नहीं बना सकते, क्योंकि यार डैम्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, प्लस ये बहुत ज़्यादा एरिया हमारा कवर कर लेता है, जिसके कारण काफ़ी सारे विलेज पीपल्स को जो है शिफ्ट करना पड़ता है, विस्थापन करना पड़ता है। तो इसलिए डैम्स जो है एक अच्छा आइडिया नहीं है वाटर को स्टोर करने के दृष्टि से। पानी को सेव करने का सबसे इफ़ेक्टिव और अच्छा तरीका है कि हम लोग उसे ज़मीन के नीचे ले जाएं, जहां पर वो हमारे एक्वीफर्स को, यानी कि जो अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स होते हैं, उनको रिचार्ज करेगा और हमारे अंडरग्राउंड वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाएगा। इस प्रोसेस को दोस्तों ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। अब यार आज के टाइम पे एक अनबैलेंस टाइप की सिचुएशन क्या हो गई है कि हमारा जो वाटर है वो हमें थ्रू आउट द ईयर एज अ मेन सोर्स हमें रेन देता है, लेकिन आजकल रेन जो है वो ढंग से हो नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग जो है पृथ्वी का जो वातावरण है, नेचर का जो बैलेंस है, उसको बिगाड़ दिए हैं पेड़ों को काट के। डिफॉरेस्टेशन के कारण दोस्तों आज के टाइम पे हमारा रेन जो है वो अनबैलेंस्ड तरीके से होता है, इसलिए यार आधे इंडिया में बाढ़ आ जाता है और आधे इंडिया में सूखा पड़ जाता है।
तो यार हमारे लिए पेड़ों को बचाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ हमें नए पेड़ों को लगाना भी चाहिए ताकि हमारा वातावरण फिर से बैलेंस हो सके। साथ ही साथ दोस्तों हमें सॉयल इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकें। तो दोस्तों ये थे कुछ इंजीनियरिंग मेजर्स वाटर को कंजर्व करने के लिए। अब यार एज अ कॉमन पीपल, एक आम आदमी भला वाटर को कैसे कंजर्व कर सकता है? तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा रिसाइकल रीयूज एंड रीड्यूस के बारे में। तो दोस्तों ये एक 3 वर्ड्स का मंत्र है जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो एज अ कॉमन पीपल, आम नागरिक के हिसाब से आप लोग भी वाटर कंजर्व करने में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। वाटर को जो है ऐसे ही खुला ना छोड़े, टैप वाटर का अगर आपका यूज़ खत्म हो गया है तो टैप को क्लोज कर दें, ये हो जाएगा हमारा रिड्यूस। वाटर का यूज़ आप रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ को भी थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए और वाटर की यूजेज जो है वो घटानी चाहिए, उन्हें भी जो है थोड़ा सा वाटर का यूसेज को रिड्यूस करना चाहिए। फिर दोस्तों हम लोग वेस्ट वाटर को रिसाइकल कर सकते हैं, हम जो पानी यूज़ किए हैं नहाने के लिए उस पानी को हम लोग इरिगेशन पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि दोस्तों हमारा पानी रिसाइकल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के कुछ छोटे छोटे मेजर्स, जैसे कि रात का पानी अगर बच गया तो उसको हमें रीयूज करना चाहिए, उसे हमें या तो कोई एनिमल को देना चाहिए या फिर प्लांट्स को देना चाहिए जिनसे कि यार उनका भी प्यास बुझ सके। सिर्फ हम ही लोग जिंदा नहीं हैं, उनके अंदर भी लाइफ है, उनकी भी फीलिंग्स को थोड़ा वैल्यू देना चाहिए। तो यार अगर इसी तरह के कुछ कुछ छोटे स्टेप्स को आप लोग उठाते हैं तो इससे हमारा वाटर कंजर्वेशन में आपका बहुत ही बड़ा योगदान होगा। इसी तरह के कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को उठा करके दोस्तों आप अपने देश के इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि यार वाटर को सप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो यार एज अ गुड सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से हमें वाटर की यूजेज को कम करना चाहिए और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए जिससे कि पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों का पैसा बचेगा और ये पैसा जो है आगे किसी और नेक काम में यूज किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स वगैरह खोलने में। तो यार इसी तरह कुछ टेक्निक्स को यूज करके हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और ये 1% पानी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो यार ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर करें। अगर आप वाटर के कंजर्वेशन में अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाले वीडियोज आप मिस ना कर सके। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।